क्या पता होता, चला जाए फिर जाए हेलो अब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बुनियादी कर रहे हैं, तो ये भी तो That regional officer will tell that we are starting the public hearing. I request all the people to sit. That's the only word he should say. He should not be anything, even a single word beyond that. What's the other reason? Right over there. सादर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। हेलो। पाबंदी लाधिकारी विक्रम राजेश मिर्जापुर के आदेशानुसार लोक सुनवाई की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। सर्वप्रथम मैं लोक सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे पाबंदी लाधिकारी महोदय का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु एवं अन्य समाज सेवी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अनुरोध करूंगा इसी आज की लोक सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी महोदय का भूखे से हार्दिक स्वागत करें। थैंक यू गुड डेटेंट जी। जैसा कि संक्षेप में आप लोगों को हम बता दें, मिसेस वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आप जहां पे आए हुए हैं ये ग्राम ददरी खुर्द में ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, इससे संबंधित या ये नोटिफिकेशन जो पर्यावरणीय अधिसूचना 2006 है उसमें की जनता का सुझाव लेना भी अति आवश्यक है। और मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ कि उसी मानसिकता से हम यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हुए हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी आपके सुझाव प्राप्त होंगे हम ऐसा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके स्टेट लेवल कमेटी के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेषित करेंगे। अब मैं अनुरोध करूँगा आपके गुप्तर जी से कि अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को आपको इंट्रोड्यूस करवाएं और प्रेजेंटेशन से संबंधित अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ करवाएं। धन्यवाद सर। इससे पहले सर मैं चाहूंगा कि मुझे ये इजाजत दी जाए कि मैं आपका अभिनंदन कर सकूं। हमारी कंपनी की ओर से वीरेंद्र पांडे जी हैं जो आपको हमारी कंपनी की प्रेजेंटेशन देंगे। वीरेंद्र पांडे जी आप शुरू करें। क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र, पत्रकार बंधुओं और परियोजना के आसपास के गांव से आए हमारे ग्रामीण देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ग्राम दादरी खुर्द तहसील मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में परियोजना और उसके विवरण के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। झुक के जाइए। हम सभी दस्तावेज जिलाधीश कार्यालय मिर्जापुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों में जमा किए जा चुके हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना श्रेणी ए और परियोजना गतिविधि संख्या 1DA के अंतर्गत आती है, जिसके अनुसार परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई आवश्यक है। प्रस्तावित ऊर्जा परियोजना के विवरण से पहले मैं आप सभी को वेलस्पन समूह और मूल कंपनी वेलस्पन एनर्जी के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। वेलस्पन एनर्जी भारत में सबसे तेजी से बढ़ते प्रतिष्ठान कॉमल मोरेट वेलस्पन ग्रुप का अभिन्न अंग है।
वेलस्पन कॉर्पोरेशन इस ग्रुप की ध्वजवाहक कंपनी है। स्टील, स्टील पाइप, ऊर्जा उत्पादन एवं घरेलू वस्त्र उद्योग में कंपनी अपनी सक्षमता साबित कर चुकी है। वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वेलस्पन एनर्जी लिमिटेड का हिस्सा है, जिसके द्वारा यह 1320 मेगावाट ग्रीन फील्ड कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। इससे पहले की परियोजना के बारे में विवरण दूं और मैं परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में बताना चाहूंगा। परियोजना में लगभग 3000 से भी अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। योग्य स्थानीय लोगों को नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। परियोजना उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की आपूर्ति करेगी और उद्योगों के विकास में सहायक होगी। वाहन अनुबंध, पशुपालन, बागवानी की आवश्यकता जैसी सेवाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। फ्लाई ऐश से ईंट बनाने का प्रशिक्षण और मार्केटिंग में सहायता और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाएगा। परियोजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। कम प्रदूषण के लिए सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग, अन्य पारंपरिक कोयला विद्युत संयंत्रों की तुलना में कम कोयले का उपयोग, 99% तक जल और प्रवाह का पुनर्चक्रण, सीमेंट और ईंट बनाने में राख का उपयोग, बिजली संयंत्र के चारों तरफ हरित पट्टी का विकास किया जाएगा। ईआईए योजना 2006 के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से टीओआर प्राप्त किया जा चुका है, जिसके आधार पर ईआईए रिपोर्ट तैयार की गई है और नियमानुसार सभी स्थानों पर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित संयंत्र स्थल की पर्यावरणीय स्थापना इस प्रकार है। परियोजना ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जिला मिर्जापुर में स्थित है। परियोजना स्थल टोपोशील संख्या 63K/12 और 63L/9 में आच्छादित है। परियोजना स्थल समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर है। परियोजना की भौगोलिक स्थिति अक्षांश 24° 58′ 41.6′ से 25° 0′ 16.8′, उत्तर और देशांतर 82° 39′ 50.9° से 82° 41′ 3.7′ पूर्व है। वर्तमान समय में भूमि का अधिकतम भाग कृषि योग्य नहीं है। राजकीय राजमार्ग SH5 1.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में और राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है, जो निकटतम रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ और सरसों ग्राम है, जो कि 15.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाराणसी निकटतम हवाई अड्डा है, जो 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परियोजना के उत्तर दिशा पर गंगा नदी जी है, जो 17 किलोमीटर की दूरी पर है। परियोजना के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी पारिस्थितिक संवेदनशील स्थल और ऐतिहासिक स्थल नहीं है। अब मैं आप लोगों को परियोजना के बारे में विस्तार से बताऊंगा। परियोजना की क्षमता 1320 मेगावाट 2x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। परियोजना के लिए 875 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 97.2% भाग कृषि योग्य भूमि नहीं है। परियोजना स्थल पर रेलवे साइडिंग की व्यवस्था की गई है और इससे सरसों ग्राम रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जो कि परियोजना स्थल से 15.5 किलोमीटर की दूरी पर है। परियोजना के लिए 6.74 MTPA घरेलू कोयला की आवश्यकता है। परियोजना के लिए 4002 घन मीटर प्रति घंटा पानी गंगा नदी से अपर खजूरी बांध के जरिए परियोजना तक लाया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 7500 करोड़ रुपए है। प्रस्तावित 1320 मेगावाट परियोजना में बॉयलर टर्बो जनरेटर प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के लिए ESP एवं संयंत्र सहाय प्रणाली जैसे कोयला ईंधन और एयर हैंडलिंग सिस्टम, जल और अपशिष्ट जल उपचार की सुविधा, कार्यशाला, आवश्यक बिजली और उपकरण प्रणाली के साथ रासायनिक प्रयोगशाला सम्मिलित है। परियोजना से उत्पन्न बिजली PGCIL के 400 KV सब स्टेशन में समाहित की जाएगी। परियोजना में निम्न संसाधनों की आवश्यकता है। 6.74 MTPA कोयले की आपूर्ति घरेलू कोयले के रूप में NCL, SCCL, CCL से की जाएगी तथा घरेलू कोयला की उपलब्धता न होने पर आयातित कोयले का इस्तेमाल किया जा सकता है। परियोजना के लिए 875 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 180 एकड़ भूमि का उपयोग एस पॉन्ड के रूप में होगा। 36 MCM पानी गंगा नदी से अपर खजूरी बांध में पंप किया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना निर्माण के दौरान 3000 लोगों को संचालन के दौरान 400 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। पर्यावरणीय आधारभूत स्थिति इस प्रकार है। पर्यावरणीय आधारभूत जानकारी ग्रीष्मकालीन है एवं वर्ष 2011 में परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर की त्रिज्या के क्षेत्र में इकट्ठा किया गया, जिसमें वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, मिट्टी गुणवत्ता, वनस्पति जीव जंतु एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था सम्मिलित है। मौसम की जानकारी के अनुसार परियोजना स्थल का न्यूनतम और अधिकतम तापमान 11.6° सेंटीग्रेड और 42° सेंटीग्रेड है। हवा की गति 12 किलोमीटर/घंटा है और इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। परिवेशी वायु गुणवत्ता 8 स्थानों पर आंकी गई है, जिसका pH 10 की मात्रा 46.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 71.35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बीच है।
पीएच 2.5 की मात्रा 14.5 माइक्रो घन मीटर से 28.15 घन मीटर है। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 5.78 माइक्रो घन मीटर से 9.65 माइक्रो घन प्रति घन मीटर के बीच है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड की मात्रा 12.8 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर से 21.39 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर के बीच है। ओजोन की मात्रा 2.62 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर से 4.9 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर है। पारा पहचान सीमा से नीचे है। हवा की गुणवत्ता राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक के मानदंडों को पूरा कर रहा है। ध्वनि की गुणवत्ता, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए 8 स्थानों का चयन किया गया। दिन के समय ध्वनि की तीव्रता 41.6 dBA से 52.66 dBA के बीच और रात्रि के समय 37.39 dBA से 43.31 dBA के बीच मापी गई, जो कि मानकों के भीतर पाई गई। पानी की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता 8 स्थानों पर मापी गई। भौतिक, रासायनिक और जैविक विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि भूमिगत जल की गुणवत्ता IS 10500 के अनुसार सीमा के भीतर है। सतही जल की गुणवत्ता और परंपरागत उपचार के बाद पीने के पानी की गुणवत्ता निर्धारित सीमा के अंदर है। मिट्टी की गुणवत्ता, भूमि उपयोग के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता 8 स्थानों पर मापी गई। मिट्टी सिल्टी दोमट है, जिसकी पीएच की मात्रा 6.92 से 7.87 के बीच है। मिट्टी परीक्षण के परिणामों से स्पष्ट हुआ कि मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक है, परंतु पोटेशियम की मात्रा कम है। वनस्पति जीव जंतुओं की जानकारी परियोजना स्थल के चारों ओर से इकट्ठा किया गया। परियोजना के चारों ओर बांस की खेती और शुष्क पर्णपाती वन के छोटे छोटे हिस्से पाए गए। कोई भी थ्रेटेड जानवर अध्ययन काल में नहीं पाया गया। सामाजिक आर्थिक आंकड़े, जनगणना 2001 से लिया गया है। महिला पुरुष औसत 0.91 अनुपात में है। कुल साक्षरता 34.34% है, जो राष्ट्रीय दर से बहुत कम है, जिसमें से पुरुष साक्षरता 45.52% और महिला साक्षरता 22.06% है। दोनों ही राष्ट्रीय औसत से कम है। काम कर रहे लोगों की संख्या केवल 26.98% है। अब मैं अध्ययन के परिणामों के पर्यावरण प्रभाव और उसे कम करने के लिए हमारे द्वारा प्रस्तावित उपायों का वर्णन कर रहा हूँ। वायु पर्यावरण, बिजली संयंत्र के प्रमुख प्रदूषण तत्व सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर हैं। परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण तत्वों का अनुमान लगाने के लिए अमेरिका EPA से स्वीकृत एयरमॉन संस्करण 6.4 नरती मॉडल का उपयोग किया गया है। PM10 के अधिकतम वृद्धिशील जमीनी स्तर सांद्रता 0.5184 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जो कि पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर की दूरी की पर होने की संभावना है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की कम समय के लिए अधिकतम वृद्धिशील जमीनी स्तर सांद्रता 40.97 और 18.84 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इसके सम्मिलित होने के बाद भी परिणामी सांद्रता भारत सरकार द्वारा निर्धारित AAQ के मानकों के मानदंडों के भीतर है। हम इन प्रभावों को कम करने के लिए निम्न वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली का प्रस्ताव रखते हैं। SPM सांद्रताओं को 50 मिलीग्राम प्रति घन मीटर से कम करने रखने के लिए 99.9% दक्षता वाली ESP की स्थापना की जाएगी। गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए 275 मीटर ऊंचाई की चिमनी की व्यवस्था की जाएगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड लो बर्नर का इस्तेमाल होगा। अंतरण बिंदुओं पर धूल प्रक्षालन प्रणाली का प्रावधान, कोल्ड हैंडलिंग एवं भंडारण यार्ड क्षेत्र में जल छिड़काव प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। संयंत्र क्षेत्र के अंदर सड़कों का डाधनीकरण और क्षण भंगुर अस्थायी धूल के नियंत्रण के लिए संयंत्र के क्षेत्र के चारों ओर ग्रीन फील्ड का विकास किया जाएगा। जल पर्यावरण के संबंध में किए जाने वाले उपाय, पावर प्लांट के लिए पानी गंगा नदी में इंटेक सिस्टम के द्वारा अपर खजूरी बांध से होते हुए परियोजना तक लाया जाएगा। परियोजना से उत्पन्न अपशिष्ट जल को उपचारित करके पुनर्चक्रण किया जाएगा और दोबारा धूल दमन के उपयोग में लाया जाएगा। परियोजना और कॉलोनी से उत्पन्न मल जल का उपचार किया जाएगा और उसका उपयोग हरित पट्टिका के विकास के लिए किया जाएगा। एस पॉइंट पर लीचिंग को रोकने के लिए लाइनिंग की जाएगी। वर्षा जल का संचयन किया जाएगा और संयंत्र में ही इसका उपयोग किया जाएगा, इसलिए परियोजना से पानी की गुणवत्ता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। संक्षेप में ठोस अपशिष्ट के बारे में, परियोजना से 2.16 MTPA कुल फ्लाई ऐश और 0.56 MTPA कुल बॉटम ऐश का उत्सर्जन होगा। फ्लाई ऐश अधिसूचना के आधार पर संपूर्ण फ्लाई ऐश 4 सालों के उपरांत उपयोग में लाई जाएगी। परियोजना स्थल से फ्लाई ऐश उठाने के लिए सीमेंट सैंड से दीर्घकालीन समझौता स्थापित किया गया है। रात का उपयोग ईंट मकान बनाने और सड़कें बनाने में किया जाएगा। हम स्थानीय ईंट निर्माणकर्ताओं को फ्लाई ऐश से ईंट बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ध्वनि पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि मानदंडों को पूरा करने के लिए उपकरणों के साथ ध्वनि रोधी उपकरण लगाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत परियोजना सीमा पर ध्वनि का असर मानकों के मानदंडों के भीतर रहेगा। परियोजना के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास ध्वनि के प्रसार को कम करने में मदद करेगा।
हरित पट्टिका के विकास का प्रस्ताव, प्लांट के चारों ओर 50 से 100 मीटर चौड़ी तीन स्तरीय हरित पट्टिका ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाएगा, जिसमें स्थानीय प्रजाति के पौधों का इस्तेमाल होगा या सीपीसीबी और एमओयूएफ के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रबंधन का विवरण, भूमि का आपसी सहमति और सभी कानूनों के तहत क्रय किया गया है और किया जाएगा, वह सभी भूमि क्रय मालिकों को जिनकी भूमि आहरित की जा रही है उनको आपसी सहमति से उचित मूल्य दी जा रही है वो दी जाएगी। कोई भी आदिवासी भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। परियोजना निर्माण के समय 3000 और निर्माण के बाद लगभग 400 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। परियोजना योग्य शिक्षित लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा परियोजना परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, जिसमें पशुपालन और फ्लाई ऐश से ईंट बनाना आदि सम्मिलित है, जिससे युवाओं में रोजगार की संभावना बढ़ेगी और युवाओं में उद्यमशीलता विकसित होगी। सीएसआर के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास किया जाएगा, जिससे साक्षरता का स्तर बढ़ेगा। अब मैं आपके सामने पर्यावरण बंधन प्रणाली के बारे में विस्तार से बताता हूँ। परियोजना में पर्यावरणीय निगरानी के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित एक प्रबंधन सेल का निर्माण कराया जाएगा, जो पूरे समय पर्यावरण पर निगरानी रखेगी। उत्सर्जन को लगातार नियंत्रण रखने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रावधान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार ईएमपी का दोबारा परीक्षण किया जाएगा। वार्षिक तौर पर पर्यावरण ऑडिट किया जाएगा और सभी व्यर्थ उत्पादन और निपटान के बारे में डाटा बनाया जाएगा। स्वच्छ जल की खपत को कम करने के लिए वर्षा जल का संचयन करने की योजना का प्रस्ताव है। उपरोक्त कार्यों के लिए 466 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अब मैं खतरे के मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन के लिए योजना के बारे में बता रहा हूँ। जोखिम का मूल्यांकन एलडीओ एचएफओ के भंडारण के लिए किया गया है। टैंकों को ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ खतरा कम हो या ना के बराबर हो। जोखिम को कम करने के लिए उपायों को टैंकों के डिजाइन के समय ही किया जाएगा। घंटी मानों से सिद्ध हुआ है कि खतरे का फैलाव प्लांट सीमा के भीतर ही रहेगा। परियोजना में काम कर रहे व्यक्तियों के लिए किसी भी अप्रत्याशित जोखिम से निपटने के लिए नियमित रूप से कृत्रिम अभ्यासों का प्रशिक्षण किया जाएगा। परियोजना के निर्माण के लिए 875 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। सभी भूमि आहरण आपसी सहमति से की जाएगी और भूमि की वर्तमान एवं बाजारों कीमतों का भुगतान किया जाएगा। ग्राम ददरी खुद के लगभग 220 भूमि मालिकों की भूमि परियोजना के लिए ली जा रही है। हम परियोजना के साथ आपका और आपके आसपास के क्षेत्र के विकास पर विश्वास रखते हैं और आप सभी की भलाई एवं समग्र विकास के लिए योगदान करना चाहते हैं। इसलिए हम एक विस्तृत सीएसआर योजना का प्रस्ताव रखते हैं। वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड चरणबद्ध तरीके से एक समर्पित सेल के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना निर्माण चरण के साथ साथ शुरू करेगा। सीएसआर के तहत प्रस्तावित गतिविधियों में से कुछ निम्नलिखित हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शिक्षण प्रशिक्षण पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना और छात्रवृत्ति, जल आपूर्ति एवं वर्षा जल संचयन संरचनाएं, साफ सफाई, शौचालय निर्माण के लिए समर्थन, युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, स्थानीय हस्तकला उद्योग का प्रोत्साहन, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों का सुधार, स्वास्थ्य शिविरों और टीकाकरण शिविरों का आयोजन, पशु चिकित्सा क्लिनिक सेवाओं के लिए समर्थन, इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए स्थानीय सरकार के अधिकारियों के साथ एक समिति का गठन किया जाएगा। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पारंपरिक बिजली संयंत्र की तुलना में प्रस्तावित कोयला आधारित बिजली संयंत्र सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के उपयोग से कम पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उच्च स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं का प्रस्ताव है और सीएसआर गतिविधि का कार्यान्वयन वेलस्पन यूपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो क्षेत्र के पर्यावरणीय और सामाजिक ताने बाने के समग्र विकास के लिए योगदान देगा। परियोजना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के माध्यम से स्थानीय लोगों को सामाजिक आर्थिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि परियोजना के आने से क्षेत्र का समग्र विकास होगा तथा उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या दूर होगी और देश को राजस्व का लाभ होगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। आतुरता से सादर अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव यहाँ आकर के हमें दें, जिससे कि हम उसको इसमें सम्मिलित करके और आपके सुझाव को भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित कर सके। मैं स्थानीय जनता से सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया यहाँ आए और अपने सुझाव दें, जिसे हम सम्मिलित करके यहाँ आए, अपना नाम और गाँव का पूरा पता बताएं और अपने सुझाव प्रस्तुत करें। इसी बीच मैं उद्योग करूंगा कि पदाधिकारी महोदय का भी स्वागत करें, हमारे पब्लिक हेयरिंग में उपस्थित है, हार्दिक स्वागत है। थैंक यू Thank you.
इस संगोष्ठी में उपस्थित अध्यक्षीय रूप में हमारे एडीएम साहब, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी महोदय, साथ ही योजना से संबंधित कर्मचारीगण, हमारे बगल में बैठे हुए मिर्जापुर जनपद की विकास की भावना को अपने कलम में उद्धृत करने वाले हमारे तमाम पत्रकार बंधु, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो हमारे हम लोगों के इस आने वाले योजना को अपने क्षेत्र में, जिनके क्षेत्र में कायम होने का अवसर मिला है, हमारे सदर एसडीएम महोदय मयान के थानाध्यक्ष महोदय और जिसमें हमारे बड़े भाई के तुल्य भी हैं, माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष जी भाजपा और तमाम ऐसे साथी जो जनप्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र में विकास चाहने वाले लोग हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे मिर्जापुर जनपद में हम सभी जनप्रतिनिधियों की ये चाहत थी। हम लोग कहते थे कि हमारा जिला उद्योग शून्य है, जो भी था इस जनपद में सब चला गया सोनभद्र में, और हमारे जिले में एक भी योजना परियोजना नहीं रह गई जहां पर हमारे बच्चे अपनी बेरोजगारी को दूर करते। साथ ही साथ आज आप जानते हैं कि इंसान की रिक्वायरमेंट में मूलभूत जो हमें आवश्यकता होती है जीवन की, उसमें एक बहुत बिजली का बहुत बड़ा महत्व है। अगर एक दो दिन बिजली नहीं आए तो हम लोगों का कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता। आज बिजली हम लोगों के जीवन की इतनी ज्यादा जरूरत बन चुकी है कि उसके लिए तमाम आवाज उठते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि महोदय लोग भी कहते थे, हमारे पत्रकार बंधु लोग भी हमेशा अपने कलम से लिखते रहते थे कि मिर्जापुर में इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगे, इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगी बिजली की, चाहे वो थर्मल पावर ओभरा का हो, अनपरा का हो, चाहे शक्तिनगर का हो, एक और है जो विंध्याचल परियोजना। लेकिन हम लोगों को, मिर्जापुर के लोगों को शराब के तले अधेरा होता है। कहने को हम लोग डीगे हाथते थे कि हमारे यहाँ बिजली की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खुली है, लेकिन मिर्जापुर जनपद में जो आता था वो महसूस करता था कि मिर्जापुर तो एकदम रूरल एरिया है, यहाँ तो गांव से भी बदतर स्थिति बिजली की बनी हुई है। तो मेरे दोस्तों, कुछ चीजें पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कहीं कहीं मैं सुनता हूं कि कुछ जमीनें लोग जबरी हड़प लेते हैं, लेकिन यहां मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहां पर जमीनें, जितनी जमीन ऑक्यूपाइड की गई है, उनको खरीद की गई है किसानों की सहमति के आधार पे, उनके उनसे मांगी हुई कीमत पे ली गई है। दूसरी चीज, अभी हमारे साथी पढ़ के बता रहे थे प्रदूषण का, तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और उसी को वे भोजन करते हैं और उसको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन के रूप में छोड़ते हैं। तो कोई ना कोई, जब आप फायदे की बात सोचोगे तो कुछ ना कुछ उसके पीछे आप अपवाद भी लगा रहेगा। आप जिस जो दवा आपको फायदा करती है उसका कहीं ना कहीं से साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन बॉडी के अंदर वो कुवत होती है कि साइड इफेक्ट को नजरअंदाज करके फायदे की चीज को ले लेती है। तो मैं अपने जिले के उन बुद्धिजीवी साथियों के बीच में बोल रहा हूं, अपने उन नौजवान बूढ़े वयोवृद्ध और अपने हम उम्र साथियों के बीच में बोल रहा हूं कि हमें आपको
अगर स्वागत ही अपने जिले से प्यार है, अपने जिले में से मोहब्बत है, अपने जिले को अगर व्यापार के रूप में, चाहे आप किसी रूप में अगर आप उन्नति देखना चाहते हैं, तो बिजली के बगैर काम होना संभव नहीं है। चाहे वो छोटी मोटी इंडस्ट्रियल हो, छोटी मोटी घरेलू इंडस्ट्री हो, सब में आज बिजली अपना मकाम रखती है। आज खुशी है कि 1320 मेगावाट की बिजली का ये केंद्र बनने जा रहा है, और इससे मैं जहां तक समझता हूं कि जब 30,000 लोग यहां रहेंगे, आप एक मेला लगाते हो, एक दिन में कहीं मेला लगता है तो मेले में 10,000 लोग का मुश्किल आ पाते हैं, और उससे कम से कम 200-300 दुकानदार अपने बच्चों को 2-1 महीने के लिए पेट पर्दा चलाने के लिए रोजी का इंतजाम करते हैं। जब आपने 30,000 लोगों का यहाँ मेला लगा दिया इस चटियल मैदान में, जहाँ की जमीन में घास के अलावा कोई चीज पैदा नहीं होता, और उस जमीन पर आप इतना बड़ा मेला लगाने के लिए आए हो, इतना बड़ा मेला लगेगा यहाँ पर कि आज इस मेले में 30,000 लोग रहेंगे, 3 शिफ्ट में अगर काम होगा 10,000 पर शिफ्ट वर्कर होंगे, और जब वर्कर होंगे तो उनकी आवश्यकताएं भी होंगी, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का सबसे नियरेस्ट स्थान कौन है? मिर्जापुर। तो औद्योगिक रूप से, व्यापारिक रूप से आप फायदे में रहेंगे, साथ ही साथ आसपास के गांव में कोई रोजगार नहीं है, छोपड़ियों में रहने वालों को बिजली के साथ साथ इंसानी जरूरत के साथ साथ मैं समझता हूं इससे एक फायदा और होगा कि ग्रामीण अंचलों में सरकार से लड़के हम लोग दूध का कारोबार जो आज पशु विभाग से होता है उसको ज्यादा से ज्यादा उनको मुहैया करा करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजगार नहीं है वहां दूध का कारोबार 30,000 लोगों के लिए, अगर सोचिए तो आप दूध नहीं सप्लाई कर पाएंगे। इस तरह से ग्रामीण रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, हर तरीके का जो हमारा बेरोजगारी दूर करने का जो साधन होगा वो होगा। जहां तक प्रदूषण की बात है तो हम समझते हैं कि इस फैक्ट्री से कहीं ज्यादा हमारे जवान को छे चुनार क्षेत्र में ईंट के भट्टे हैं, जो बिना किसी नियंत्रण बोर्ड के मशीनों के अलावा धुआं निकालते रहते हैं, और हम लोग उसको बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक चिमनी के लिए जिसके सरकार परमिट कर रही है आज उसी के लिए बुलाया गया है, तो वो तो एक मालिक का पेट भरता है और कुछ ईंचे मजदूरों का पेट भरता है। जहां 30,000 मजदूरों का सवाल है, जहां अपने क्षेत्र के विकास का एक ईंट की देने का सवाल है, आज इतना बड़ा एक प्रोडक्शन ये जो है फैक्ट्री लाने के लिए जिन लोगों ने हिम्मत किया है मैं उनका भी दाद देता हूं। आप लोगों को भी इस पे खुश होना चाहिए कि यूपी में कोई भी आदमी इंडस्ट्री लगाने को हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यूपी में नेतागिरी बहुत होती है, कोई अपना भट्टा नहीं देखेगा लेकिन इधर जरूर दिखाई देगा, उससे एक आदमी का फायदा होगा, उनको कोई फायदा भी होना नहीं है लेकिन वो बेचारे बर्दाश्त कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे तत्व को जो वाकई में जिले के विकास के रोधक हैं, उनसे हम लोगों को लड़ना भी पड़ेगा, उन्हें हम लोगों को समझाने की जरूरत होगी कि भाई आपकी वजह से आज क्या वजह है कि हम मिर्जापुर छोड़ के कलकत्ता जा रहे हैं, बंबई जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेनों में देखिए तो घास भूसे की तरह जगह नहीं मिलती, जरा सा लड़का गुस्सा किया बाप कह रहा है कमा नहीं रहे तो भाग रहा है बंबई, वहां जाकर झोपड़पट्टी के किनारे रह रहा है, जहां पे गंदे नाले बह रहे हैं वहां कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बिताने के लिए पेट के लिए दौड़ रहा है। आज मिर्जापुर के लोगों का सौभाग्य है कि 30,000 लोग यहां जो रोटी रोजी के लिए तो संघर्ष करेंगे ही पाएंगे ही, उसके अलावा हमारे गांव की स्थिति यहां से 30 किलोमीटर तक आपको इससे भलाई मिलेगी, आपको रोजी मिलेगी। मैंने बातों के साथ अपने बुद्धिजीवी समाज के लोगों का आह्वान इस वजह से कर रहा हूं
कि आप लोग समझाने वाले लोग हो, समझने वाले लोग हो, आप बुद्धिजीवी हो, समझिए और लोगों को समझाइए और इसमें सहयोग कीजिए ताकि ये प्रोजेक्ट मिले और जिले को एक नई रोशनी मिले, जिले को रोजगार मिले। इन्हीं बातों के साथ हम अपने अधिकारियों का भी एहसान मंद है कि हमारे अधिकारियों की मौजूदगी में इसमें अगर किसी तरह की रुकावट आती है तो उसे अपने स्तर से दूर करेंगे। इन सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज़। आपके सुझाव संक्षेप में होने चाहिए और सार्थक होने चाहिए। धन्यवाद। से अनुरोध है, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन क्योंकि समय भाव है, बहुत से लोग हैं, सभी की भावनाओं को सुना जा सके, अधिक से अधिक लोगों को सुना जा सके, इसलिए 5 मिनट के अंदर तथ्यपरक और इस परियोजना के संबंध में बात कहें तो बेहतर होगा। धन्यवाद सर। मैं ये सब लोगों का वेलकम करना चाहूँगा, जा रहे हैं और अंदर नहीं आ पा रहे हैं वो भी अंदर आ जाएं। मेरी उन सब लोगों से दरख्वास्त है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, किसी भी गांव तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग यहाँ पे आए और आके अपना मत दें, जिससे हमें भी सीखने को मिले, अगर हमको भी कोई और तरक्की करने की जरूरत है तो हम ऐसा कर पाए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें, पर कम से कम समय में करें। धन्यवाद। जिसको भी श्रीवास्तव जी, अपना नाम थोड़ा अपना कार्यक्रम में हर शंकर सिंह, भारतीय किसान यूनियन विंध्याचल मंडल संरक्षक, महामंत्री किसान कल्याण समिति जरगो कमांड, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आदरणीय बंधुओं, यह अत्यंत ही खुशी का हम लोग का अवसर है। जैसा कि अभी हाशमी साहब ने बताया कि हम लोग मानते थे कि यह जिला उद्योग शून्य है, इसकी एक शुरुआत हुई है। यह सत्य है कि हमारे जिले में एक जेपी सीमेंट चलाता है, लेकिन वह बहुत पहले का था, लेकिन इधर कोई हिम्मत नहीं किया। सर्वप्रथम वेलस्पन को हम वेलकम करना चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम आकर के मिर्जापुर जनपद को चयन किया। यह हम लोग जानते हैं कि यह कंपनी सर्वप्रथम गाजीपुर में स्टैब्लिश होने वाली थी, लेकिन हम सभी का सौभाग्य है कि वहां से इन लोग का रुचि हुआ और यहाँ आए। इसके लिए हम अपने तरफ से, अपने जिले के तरफ से इन लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आदरणीय बंधुओं, कहना नहीं होगा, सत्य ही है कि आज बढ़ते हुए जमीन, टूटते हुए परिवार, लैंड होल्डिंग की कमी के कारण से आज बेरोजगारी का जो एक आलम अपने बीच दिखाई दे रहा है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर देखा जाए तो अन्ना हजारे रहे हैं, वह एक अव्यवस्था और बेरोजगारी का एक जीवंत केवल एक प्रकटीकरण था, और क्या कहा जाए। तो यह जो स्थिति है, इससे उभरने के लिए एक हम लोग के पास अवसर आया हुआ है। हम लोगों ने अभी एक जनसुनवाई में, हमारे एडीएम साहब थे, चुनाव में हो रहा था, जो अभी वहां फैक्ट्री शुरू हो रही है एस्बेस्टस की, हम लोग वेलकम करना चाहते हैं। हम सामान्य काश्तकार लोग हैं, हमारी स्थिति ये हो चुकी है, आज यहाँ बैठे हुए सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि आज सारे लोगों की जमीन की बंटवारा इस स्थिति पर पहुंच गई है, जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं कि आज अगर वो खेती से पढ़ना चाहे, बढ़ना चाहे, स्वास्थ्य रक्षा चाहे, तो आज अब उनके हैसियत के बाहर होता चला जा रहा है। कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट हमको तलाशना पड़ेगा, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट हमको सामने लेना पड़ेगा और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम लोग के सामने जो एक विकल्प के रूप में यह उद्योग अपने बीच आ रहा है, हम लोग तो चाहते हैं इनके माध्यम से कि और आगे बढ़े और केवल यहाँ बिजली उत्पादन न करें, बिजली तो यहाँ से उत्पादन होगा, बाहर को चला जाएगा, हमारे सर पर से बहुत सी बिजली के खंभे जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, वेलस्पन यहाँ बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बारे में जो हम लोग जानते हैं, आज अभी हाजमी हाशमी साहब दूर की बात कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो गंगा का तटीय एरिया है, इलाहाबाद से लेकर के वाराणसी के बीच, इसके बीच मूंगफली का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह जो पठारी एरिया है, इसपे बहुत बड़ा टमाटर की खेती होती है। इन सब चीजों का भी उद्योग यहाँ लगाने का उपक्रम करना चाहिए। हम लोग उनको वेलकम करेंगे, जमीन देंगे। यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए, यहाँ के लोगों के जीवन यापन के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो यहाँ हम लोगों को बढ़ा सके। जहां तक सवाल है पर्यावरण के संबंध में, यहाँ का पर्यावरण के संबंध में कहना चाहते हैं बंधुओं कि वास्तव में देखा जाए तो चाहे एग्रीकल्चर हेल्थ हो, चाहे एनवायरमेंटल हेल्थ हो,
चाहे सोशल हेल्थ हो चाहे एजुकेशनल हेल्थ हो, सारे के लिए पैसे की जरूरत है। जब तक हमारी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारे जेब में पैसा नहीं होगा, हम पढ़ा नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट जो आ रहे हैं उनका वेलकम किया जाए। आदरणीय बंधुओं, जब जहां पर्यावरण का सवाल उठता है एग्रीकल्चर हेल्थ के बारे में, उस पठार पर आज एकदम सियासा दिखाई दे रहा है। हम लोग कई ऐसे स्थानों को देखे हैं जो पहाड़ पर लगे हैं, लेकिन आज वहां हरियाली है, यहाँ पेड़ पौधे लगेंगे, यहाँ पक्षियां रुकना शुरू करेंगे, यहाँ अन्य पेड़ पौधे आएंगे, यहाँ पानी आएगा और यहाँ का जो रिसाव होगा अन्य स्थानों तक वाटर लेवल को भी कंट्रोल करेगा। साथ ही जहां तक इन्वायरमेंटल का सवाल है, जब यहाँ पानी ऊपर तक आएगा, इसका फैलाव बढ़ेगा, तो यहाँ हरियाली बढ़ेगी। और जहां तक यहाँ तक खेती का सवाल है, यहाँ तक पानी, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ प्रशांत जी और लोग हैं हमारे यहाँ रेडी, दयाशंकर पांडे जी जो SDM आज के आपके हैं, जब यह प्रोजेक्ट आया था, मैं SDM साहब को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सारे अधिकारियों के साथ आपका चुनाव के लिए हमने भेंट करवाया था। हम लोग चाह रहे थे कि यह प्रोजेक्ट हमारे जर्गों पर आइए और जर्गों को आप एक बैराज बनाओ, गंगा से पानी लाओ। हम लोग चाहते कि आप भी बढ़ो, हम भी बढ़ेंगे। जब गंगा का पानी जर्गों में आएगा तो हम दो फसल के लिए नहीं, हम तीन फसल के लिए सिक्योरिटी में हो जाएंगे, क्योंकि वो सूखा का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं रहा, लेकिन जनपद में लग रहा है। हम लोग यह विश्वास करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में विलस्पन यह केवल यहाँ नहीं, पूरे जनपद को गोद लेगा और पूरे जनपद में हरियाली, खुशहाली और विभिन्न प्रकार के उद्योग लगा करके यहाँ के लोगों को उद्योग भी देगा। आदरणीय बंधुओं, हम लोग को इसलिए भी वेलकम करना चाहिए कि इस फैक्ट्री को आने से जहाँ उद्योग धंधा फूलेगा फलेगा, वही हमारे किसानी के जीवन में जो हमारी मूलभूत जरूरत है, जिसके बदौलत हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारी जीविका है, उसके लिए पानी का अभाव है। जब यहाँ यह लोअर क्वार्टर खजूरी आपका गंगा से जुड़ जाएगा, तो लोअर खजूरा पर खजूरी और लोअर खजूरी के नीचे रहने वाले सारे किसान, एक फसल नहीं, मैं दो फसल नहीं, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब आपका धान नहीं, गेहूं नहीं, अब आप खरीफ का भी फसल ले सकेंगे आगे आने वाले दिनों में। इस प्रकार का आप विश्वास कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनने वाली है। जहां तक अन्य एजुकेशनल सवाल है, एजुकेशनल सवाल में जैसा कि हमने बताया कि परचेजिंग पावर रहेगी आपके पास, जेब में जब पैसा रहेगा तो आप एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस कंपनी ने जैसे अभी JP हमारे यहाँ चुनाव में चला रही है, कई स्वास्थ्य योजनाएं चला रही है, कई प्रकार के ऐसे शिक्षा का केंद्र बना रही है, आगे उनका इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक और अन्य कॉलेज भी खोलने का प्लान है। इस प्रकार यहाँ भी उस प्रकार की स्थिति आने का हम अपेक्षा करते हैं। और साथ ही मैं यह भी अपेक्षा करता हूँ कि अगर इनको और कहीं इस पठार की एरिया की जरूरत पड़े, तो यहाँ से और इनको जमीन दिया जाए, जिससे कि यह क्षेत्र और आबाद हो। आदरणीय बंधुओं, दो मिनट में अपनी बात और मैं कहते हुए समाप्त करना चाहता हूँ। यह मिर्जापुर जनपद के बारे में अगर कल्पना किया जाए, तो यह मिर्जापुर जनपद नहीं, यह देश है। जैसे कि देश के बारे में हम कल्पना करते हैं, तो आता है कि एक तरफ हिमालय की उत्तंग शिखाएं हैं, तो दूसरे तरफ समुद्र की गहराइयां हैं, तीसरे तरफ राजस्थान का रेत है जहां बारिश नहीं होता, तो चौथे तरफ वो है हमारा चेरापूंजी जहां रोज बारिश होता है। ऐसा यह मिर्जापुर जनपद है। एक दिन पर्वत की उच्च शिखाएं है, गंगा की गहराई है और बारह मास बारिश करने वाला जर्गों का क्षेत्र है, और यह पठार भी रेगिस्तान है। यह एक प्रकार का ऐसा हिंदुस्तान है बंधुओं। लेकिन इस प्रकार के इस हिंदुस्तान पर जो हम लोग कल्पना करना चाहते हैं, यह जो अपना एरिया है, यह पूर्ण रूप से नदी नालों झील झरनों प्राकृतिक संपदाओं से भरा पूरा लगा हुआ है। यह जो क्षेत्र है, यह जरूर हम लोग विपन्नता में रहे हैं, लेकिन यह सौभाग्य सबको नहीं है। यह ऐसा सौभाग्य हम लोग को मिला है कि इसके माध्यम से हम यहाँ की हरियाली वापस ला सकते हैं। एनवायरमेंटल ही नहीं, हम यहाँ पर टूरिज्म का भी एक वातावरण बना सकते हैं। जब ये लोग आएंगे यहाँ, एक ऐसा स्थिति बनेगा, तो यह मिर्जापुर जनपद जो पूर्वी पूर्वांचल की मांग की जा रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पूरा या अलग से
प्रदेश बना पूर्वांचल प्रदेश, तो उस प्रदेश का नरेगा और गाजियाबाद बनने का क्षमता अगर किसी के पास है तो वह इसी क्षेत्र के पास है और यही बनेगा, दूसरा कहीं नहीं बन सकता। क्योंकि नई लैंड रिक्विजिशन एक्ट जो आई है उसमें दो फसली जमीनों का एक्वायर नहीं कर सकते, आप ले नहीं सकते। अब यही पठार बचा है, इसको हम लोग वेलकम करें, इसको डेवलप करें, इसको हरियाली दें, हम खुशहाली लें। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक अधिकारी पत्रकार गणों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस ददरी खुर्द ग्राम सभा का एक छोटा सा काश्तकार था, लेकिन जब इस परियोजना के लोग अपना नाम, मैं मदन तिवारी ग्राम भोरसर निवासी, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का एक छोटा सा काश्तकार था। तकरीबन 9 बीघा से कुछ दूर कम हमारी यहाँ पे जमीन थी। कंपनी के लोग मुझसे मिले, परियोजना के बारे में बताए, मैंने स्वेच्छा से हंसी खुशी से अपनी जमीन को दिया, इस उम्मीद पे दिया और इस आश्वासन पे कंपनी के दिया कि हमारे जिले के नौजवान और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं यहाँ पर उपस्थित अपने जिले के शासन प्रशासन के लोगों से ये अपील करूंगा कि इस फैक्ट्री को लगाने में जितना जल्द से जल्द जो भी सहयोग हो सके करें, जिससे हम बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिले। धन्यवाद। बहादुर सिंह यहाँ का काश्तकार हूँ और रेणुपुर नौकरी करता हूँ। और जब रेणुपुर हमारे पास पहुंचे लोग, हमको पता लगा कि इस जमीन पे फैक्ट्री बैठने जा रही है, तो मैं स्वेच्छा से और बड़ी दुख की बात है कि हमारे पास अगर और जमीन नहीं होती तो हम और जमीन यहाँ देने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ का उत्थान मतलब यहाँ का मतलब वो हो, हमारे बच्चे यहाँ जाने के लिए यहाँ तैयार नहीं थे, आज हमारे दोनों बेटे यहाँ आए हुए हैं बस ये देखने के लिए कि नहीं पापा हमारा जो बेचे हैं वह क्या हो रहा है कैसा हो रहा है। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम रोहित शुक्ला लल्लू है, मैं मिर्जापुर बिनानी कॉलेज का छात्र नेता हूँ। मैं सबसे पहले वेलस्पन कंपनी के माननीय कुकुटेकर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आगे हजारों युवा रोजगार बेरोजगार हैं जो उनको रोजगार देने का सपना सजोया है। धन्यवाद देना हूँ बाबू मुंशी सिंह का कि उन्होंने हम लोग को कुकुटेकर साहब के माध्यम से मिर्जापुर में यहाँ कंपनी गाड़ने का काम किया। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद, जो पहलू किया हमारे लाखों करोड़ों नौजवान है, मिर्जापुर की जनता 16-17 लाख से ऊपर है, कम से कम ये पावर प्लांट यहाँ गड़ेगा जिससे युवा बेरोजगार जो है उनको कम से कम रोजगार मिलेगा। जो खेत देख रहे हैं चारों तरफ सूखा है पावर प्लांट गड़ने से, हमने सुना है 25 किलोमीटर की लंबी गंगा जी से परियोजना खींची जा रही है, पानी आएगा एकत्रित होगा, जहां 40% पानी भराता था वहां 100% पानी भराएगा और हर समय हर माह में सिंचाई होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पुनः माननीय कुकुटेकर साहब को कि आपने हम जैसे नौजवान युवाओं को ध्यान में दिया और मिर्जापुर को ही चुना। माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र में आप सबने मिर्जापुर को ही चुना, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विलक्षण कंपनी में अपनी 8.5 बीघा जमीन स्वेच्छा से दिया, धन्यवाद। नाम मोहम्मद चांद बाबू है, मैं इमाम बाड़े मिर्जापुर में रहता हूँ। वेल्सपन एनर्जी यूपी लिमिटेड का जो ये 1320 केवी का थर्मल पावर प्लांट जो बैठ रहा है, इसमें सबसे पहले बड़े भाई मुंशी सिंह जो कि जमीन को भी इकट्ठा करके टेकर साहब का काफी सहयोग किया है और टेकर साहब भी हम लोगों के सहयोग के लिए जो ये प्लान लाए हैं उनका मिर्जापुर जनपद वासियों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, निर्मला बहन जी की तरफ से जो महिलाओं को लेकर के भी यहाँ आई है, सभी लोगों का टेकर साहब का स्वागत करते हैं अपने परिवार की तरफ से। और इस कंपनी से 30,000 ही लोगों को नहीं
बल्कि 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, रैन बसेरा चलेगा, तमाम सारी योजनाएं यहाँ जो भी चलेंगे इसी कंपनी के उसमें चलेंगे, इसलिए हम लोगों को रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इसके लिए भरपूर सहयोग पूरे जनपद वासियों को देना चाहिए और आप लोगों को मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मंडल की अध्यक्ष हूँ। मैं पहले इस मंच पर बैठे अपने बड़े भाई आदरणीय एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को और सिंह भाई साहब को प्रणाम करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े पिता के रूप में कृपाण मिश्रा जी, लाल बहादुर सिंह जी, पद्रोग हाशमी जी, चांद बाबू और यहाँ पर उपस्थित प्रशासन के भाइयों और अपने पत्रकार बंधुओं को भूरो भूर नमस्कार करती हूँ। अपने बहनों यहाँ उपस्थित अपने भाइयों को ही नमस्कार करती हूँ। आज मुझे पेपर के माध्यम से पता चला कि मेसर्स वेल्स एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हमने अपने महिला बहनों से कहा कि हमें भी वहां चल करके अपनी सहभागिता लेनी चाहिए। हम महिलाएं पीछे क्यों रहें, हमें भी तो जानना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है, कैसी स्थिति परिस्थिति है, वहां क्या व्यवस्था है। जमीन यहाँ के लोगों ने दिया है, जिन लोगों ने दिया है मैं पहले उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि अगर वो लोग मेरे भाई लोग अगर जमीन नहीं दिए होते तो कुक्का टेक साहब या मुंशी भाई साहब कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद अपने यहाँ क्षेत्र के भाइयों को बहुत बहुत नमन करती हूँ और उनसे मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह से अगर ये अपना का भी उद्धार हो जाएगा बंधु। इसके बाद मैं मुंशी सिंह और अपने भाई टक्कर साहब को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि कम से कम कोई मिर्जापुर के विकास के लिए कोई अगुवाई करने के लिए तो आया है। बहुत से राजनीतिक पार्टियां रही है, मंत्री रहे हैं, लेकिन मिर्जापुर जिले के बारे में आज तक किसी पार्टी ने किसी राजनेता ने नहीं सुना। मैं इसके लिए अपने भाई टक्कर साहब को यह बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जो किया है या कहना हम लोगों के लिए बहुत कम होगा, इनका किस तरह से धन्यवाद हम लोग करें। हम माताएं हैं, हमारे बच्चे 2000-4000 रुपए के लिए बॉम्बे दिल्ली जाते हैं कि हम नौकरी करने जा रहे हैं, कहीं कोई रिश्ता चलाता है, कोई सब्जी देता है, कम से हमारे बच्चे पढ़ लिख करके, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जब उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कोई व्यवस्था नहीं हो पाए तो कहीं पॉकेट मारी करते हैं, कहीं चोरी करते हैं, कहीं हीरोइन बनते हैं, तो कम से कम मैं तो यह समझना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि यह क्राइम भी बंद हो जाएगा, बच्चों को रोजगार मिलने लगेगा तो निश्चय है कि क्राइम कम हो। बंधु मैं टक्कर भाई साहब से ये कहना चाहती हूँ कि आप ये जो प्लांट बनवाया रहे हैं आप बड़ा अच्छा कर रहे, लेकिन हम महिलाओं के बारे में भी कुछ सोचने की कृपा करिएगा। हमारी महिलाएं बहने भी आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है और आपकी अगर कोई परेशानी आगे आएगी तो हम लोग तैयार होकर के उस परेशानियों को दूर करने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए भी आप सोचिए और उनके लिए भी कोई व्यवस्था करने का कष्ट करिएगा। वन लोग समय 5 मिनट का दिया गया है, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद करके अपने बारे को विराम देना चाहती हूँ। लेकिन यह भी साथ साथ कहना चाहती हूँ कि इसको भूलिएगा नहीं, महिलाएं किसी काम में किसी से पीछे नहीं, इसलिए महिलाओं को जरूर सोचिएगा। जय हिंद जय भारत। वहाँ पीछे जो साइन हो रहा है निवासी भरपूरा तिवारीपुर जो इस पहाड़ के पीछे हम लोगों का सटा हुआ मकान है, हम लोगों को जब आज पता लगा कि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पर्यावरण के लिए सुनवाई होने जा रही है, हम लोग अपने स्वेच्छा से यहाँ पे आए। कुछ दिन पहले यहाँ पे मिर्जापुर के बाबू मुंशी सिंह जी है जो इन्होंने यहाँ पे जमीन
लोगों से लेकर के कंपनी को देने का काम किया, इसके लिए हम लोग सबसे पहले उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। इस ददरी खुर्द जैसे क्षेत्र को उन्होंने चुना, जो इस ददरी खुर्द के 10 किलोमीटर अगल बगल में न कोई रोड है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई सड़क है। यदि यहाँ की औरतों को हॉस्पिटल जाना होता है तो जाते जाते बीच में मर जाती है, उनको पहुंचते पहुंचते समय लगता है, पैदल चलने में उनको कम से कम 2 घंटे लगता है तो वो हॉस्पिटल 4 घंटे पहुंच पाते हैं। इसके लिए आज हम यहाँ सभी भाइयों का स्वागत करते हैं, पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। थोड़ा से बीच में बाबू मुंशी सिंह जी न होते तो शायद यहाँ वेल्सपन एनर्जी कंपनी भी आती, यहाँ के लोगों का अच्छा होता, यहाँ के जमीन हासिल होता। सबसे बड़ी खुशी हम लोगों को एक बात की है, जो भी कंपनी की तरफ से बताया गया कि गंगा जी से पानी डैम में दिया जाएगा और डैम से किसानों को पानी दिया जाएगा, जो हम लोगों को 20 वर्ष कम से कम छोटे छोटे हम लोग थे तब नहर को बहते हुए देखे हैं। यदि ऐसा कंपनी की तरफ से होता है तो इस सौभाग्य होगा, बेरोजगारी दूर होगी, किसानों की समस्या दूर होगी, इस क्षेत्र का विकास होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आज वेल्सपन एनर्जी कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मिर्जापुर जिले के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र को, जहाँ न आदमी आते हो, जहाँ गाड़ी आती हो, जहाँ घोड़े जाते हो, उस क्षेत्र के गरीब जनता के बीच की जमीन को इन्होंने चॉइस किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इसका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। राजू चौबे तिवारी को भरपूरा इस तरह से मेरा मकान 2 किलोमीटर पर सता नीचे है। धन्यवाद। काशी और प्रयाग के मध्य में पहाड़ों के आगोश में झरनों की कड़कड़ाहट लिए अखिल ब्रह्मांड नायिका पारम्मा जगत जननी माँ विंध्यवासिनी की आंचल की छाया में बसे जनपद मिर्जापुर को ददरी खुर्द जो महिमा मंडित किया है, मैं उपस्थित सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय कौन सा जनपद के मुखिया अपर जिला अधिकारी श्रीवास्तव जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ में आदरणीय कालिका सिंह जी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र, बगल में बैठे प्रज्ञा अधिकारी सदर महोदय का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। समाज के स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार बंधुओं का भी मैं इस ददरी खुर्द के धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उपस्थित पंडाल में जनपद के प्रबुद्ध वर्ग, ददरी खुर्द के सम्मानित किसान सभी का मैं शिवशंकर पांडे तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि बताया गया है, अभी अन्य लोगों ने, अन्य किसानों ने वेल्सपन कंपनी के बारे में बताया ही कि वेल्सपन कंपनी के यहां लगने से कितना क्षेत्र का विकास होगा, कितना जनपद का विकास होगा। हम अपार हर्ष के साथ, अपार खुशी के साथ यहां पेपर में पढ़ करके उपस्थित हुए। यह प्रदूषण के लिए, प्रदूषण के समाधान के लिए जो आप लोगों की समस्या हो, प्रदूषण में जो राय विचार देना चाहते हो, हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, केवल उतना ही चाहते थे कि प्रदूषण के बारे में बोला जाए। लेकिन मैं माफी चाहता हूं अध्यक्ष महोदय से कि मैं थोड़ा सा हटका को करते हुए और लोगों ने जो बात कही सो कही। हम यहां उपस्थित जितने लोग हैं,
सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जनपद मिर्जापुर में कोई उद्योग नहीं, कोई कल कारखाना नहीं, यहाँ की जनता रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए अत्यंत अनेक जिलों प्रदेशों में रोजगार के लिए जाया करती है। युवा वर्ग परेशान है। मैं वेलस्पन कंपनी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां मिर्जापुर में माँ बाप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारे नौजवान शिक्षित हो। माँ बाप भले ही न पढ़े हो लेकिन सोचते हैं कि हमारे नौजवान शिक्षित हो। या यह शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा है। सहयोग यह रहा कि जनपद का सबसे पिछड़ा क्षेत्र जहां वेलस्पन कंपनी ने अपने पावर प्लांट का वर्णन किया है, अब मैं उस शख्सियत को भी एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें कोई सिफारिश की बात नहीं है, कोई ओसी बात नहीं है। जो मैं सुना हूं, जो मैं जाना हूं, जो मैं देख रहा हूं, निश्चित रूप से मुंशी सिंह जी का इसमें काफी सहयोग रहा। मुंशी सिंह जी गाजीपुर गांव, गाजीपुर जनपद के करंडा ब्लॉक के एक छोटे से गांव लखनजयपुर के निवासी हैं। यह मिर्जापुर जनपद में विगत 40 वर्षों से यहां निवास करते हैं। जन्मभूमि भले गाजीपुर ही हो लेकिन कर्मभूमि की मिर्जापुर है। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए एक शब्द जरूर मानव निवासिनी से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने बात को समाप्त करूंगा कि निर्विघ्न हो मालिक सदा, निर्विघ्न हो कार्य सदा, बिल्कुल नहीं कुछ ले रहे, अनुकूल हो ईश्वर सदा, बलस्पन देनी जय रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। काफी लोगों ने वेल्सपन एनर्जी कंपनी का धन्यवाद किया। निश्चित तौर पर एक नेता हमारे देश में थे, पर्यावरण के लिए बड़े चिंतित थे, सफरी पर्यावरण को योगदान देने के लिए नदियों का काम होता है, पूरे देश में नदियों को जोड़ने का काम उन्होंने किया, कभी जो बात देखा था नहीं हो पाया। यह वेल्सपन कंपनी गंगा नदी से लिफ्ट करके पानी अपने खजूर में करके फिर जो है अपने उपयोग लाने का काम किया है। निश्चित तौर पर उस पर जो आश्रित है पेड़ पौधे जानवर पर्यावरण का विकास होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा, इतना बड़ा भूभाग परिधान क्षेत्र का है, निश्चित तौर पर यह धरती जो है तहसील सदर में आता है, जो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, चाहे नीम का पेड़ हो, हमें जंगलों में उसका अभाव दिखता है। ये योजनाबद्ध तरीके से आपको उसको स्थापित करना चाहिए, जिससे कि इस कंपनी के माध्यम से मिर्जापुर को पर्यावरण में विकास के लिए एक सहयोगी भूमिका निभाएं। और आपके सहयोग से आज जो बड़े बड़े पौधे आम किसान नहीं लगा सकता, काफी क्षेत्रफल में वो है कवर करता है एरिया को, लेकिन वन क्षेत्र के पास पर्याप्त भूमि है। आप उनसे सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको धन्यवाद काफी लोगों ने किया क्योंकि आप जो है रोजगार का अवसर पर्याप्त मात्रा मिलेगा, लेकिन आपने जो घोषणा किया है, जो वादे किया है, उसको भी सार्वजनिक करने का काम आप करिएगा और उसको पूरा करने काम, उस पर चलने काम आप जो है करिएगा। निश्चित तौर पर जो है मिर्जापुर भोले भाव भोले भाले जनता यहाँ है और श्रद्धा से जो है विकास में आपका साथ देना चाहते हैं।
ठीक है, और इसलिए आप जो है उसको अमल में लाइए और पर्यावरण के लिए जो हमने निवेदन किया है पेड़ पौधे जो बड़े भी बरगद का नीम का इसको वृक्षारोपण कराइए जिससे कि पर्यावरण हमारा जो है सुदृढ़ होगा मजबूत होगा। यही निवेदन करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं संस्थान चलाता हूँ सौर प्रणाली सेवा समिति, इसका मैं प्रबंधक हूँ और शाहपुर सदर तहसील में गाँव है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। मेरा अनुरोध है कि अपने सुझाव संक्षेप में सम्मानित जनता तो बहुत तक आपका वेट करेंगे और ये निश्चित रूप से वादा करते हैं कि जो भी सुझाव आपका आएगा उसको रिकॉर्ड करके और उसकी हर जगह छायाप्रति करके हम भेजेंगे। धन्यवाद। आज पर्यावरण गोष्ठी में लाल बहादुर सिंह हावड़ा मिर्जापुर यहाँ से 10 किलोमीटर मैं सर्वप्रथम आज अमर उजाला पेपर देखा, पता चला ददरी खुर्द में आज पर्यावरण संबंधी लोक अदालत या सुझाव को लेना है। मैं इस रास्ते से वाकिफ हूँ, कम से कम इस रोड द्वारा 200 बार अपने गांव गया हूँ। मैं यहाँ क्षेत्र से जाते वक्त तो मैं किसी ने पूछा न जाचा, मैं आ गया। अभी तक मैं भी उसी क्रम में बह रहा हूँ धारा में जितने अपने बंधुओं ने अपना सुझाव दिया। मैं सर्वप्रथम वेल्सपन कंपनी को धन्यवाद देता हूँ, इस निर्जन पठारी सिंचित भूमि को उन्होंने चुना और यहाँ के किसानों को, मैं भी किसान हूँ, यहाँ के किसानों को उन्होंने मुक्ति दिया। क्योंकि जब खेती करते होंगे चारों तरफ जंगल होने के कारण जंगली जानवर फसल नुकसान कर जाते होंगे, दिन में खेती करें रात को चौकीदारी करें, इस पर भी फसल हाथ में नहीं आती। दूसरी बात, पर्यावरण संबंधी इतना बड़ा प्लांट लग रहा है, प्रदूषण तो होगा ही, परंतु दो प्रकार के प्रदूषण, एक तकनीकी प्रदूषण, एक समझ लीजिए वानिकी प्रदूषण। इसको दूर करने के लिए तकनीकी प्रदूषण के बारे में तो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी इंजीनियर होंगे, जो धुआं निकला कहा वही प्रदूषण है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए तो उनकी जिम्मेदारी है। परंतु आस पास की जो उन्होंने अभी प्रोजेक्ट में पढ़ा कि हरित पट्टी दी जाएगी, उसमें मेरा भी सुझाव है कि यहाँ के मूल प्रजाति के वृक्ष लगाए जाए, जैसे महुआ, गुलर, जामुन, आम, पीपल, बरगद, इनकी आयु लंबी होती है। आस पास आते हुए देखे होंगे वन विभाग कहीं बांस का वृक्षारोपण, कहीं गुलिप्टस का वृक्षारोपण या जो भी वृक्षारोपण किया होगा, उनकी आज 10-15 साल के बाद वो पेड़ स्वतः सूख जाते हैं और ऐसे पेड़ है जिनसे उनकी वंश वृद्धि नहीं होती। आप बरगद लगाएंगे, नीम लगाएंगे, गुलर लगाएंगे, पाकर लगाएंगे, वो पक्षियों को भोजन मिलेगा, वो भी प्रदूषण में सहायक होंगे और भोजन के साथ साथ जब अपना बीट करेंगे पूरे जंगल में बर्फ पर पाकर गुलर और नीम के पेड़ फैला देंगे, जो आपका पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा और प्रदूषण को सहयोग करेगा रोकने में। तो यह मेरा कंपनी के अधिकारियों से आग्रह है कि आप हमारे पड़ोसी हो गए हैं, पड़ोसी धर्म का हम भी निर्वाह करेंगे, आप भी करिए। यह जंगल में प्रोजेक्ट है, किसी तरह से आने के लिए 10 किलोमीटर आना पड़ेगा। आप अपने आस पास के 10-20-25 गाँव को आच्छादित कर लीजिए, इनका विकास करिए, वहां के लोगों को शिक्षित करिए और प्रथम वरीयता यहाँ के मूल जो आपके लायक लोग हो, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, प्रथम वरीयता उनको अपने कंपनी में दीजिए, उनको स्वरोजगार दीजिए। मैं यही स्वर से कामना करता हूँ कंपनी यहाँ फूले फले विकसित हो और अन्य कंपनियों को ही अपने माध्यम से यहाँ मिर्जापुर लाने का यह मार्गदर्शक बने। इसी के साथ में अपने वाणी विराम में कल धन्यवाद। कहीं और शायद गाजीपुर लगने का प्रोग्राम था, लेकिन माँ विंध्यवासिनी के साथ साथ कृपा थी जो हमारे मिर्जापुर प्रांगण में आकर जो है लग रहा है। हम लोगों को बड़ी खुशहाली है
हम लोग खुश हो गए इस जमीन को, अपनी जमीन को जो इस कंपनी को दिए हैं, और माँ विंध्यवासिनी की कृपा थी जो ये कंपनी लग रही है यहाँ। मुझे मालूम है कि कंपनी से इस प्रोजेक्ट से जो है जो प्रोडक्शन निकलेगा संभाला है। इसी के साथ धन्यवाद, धन्यवाद भाइयों, यहाँ के जितने अतिथि आए हुए हैं, हमारे सारे भाइयों ने धन्यवाद कर दिया। नाम वेलस्पन पांडे है, एक पहली बार बिरोल गांव में वहीं के रहने वाले हैं। क्या इस पढ़ाई क्षेत्र में वेलस्पन कंपनी के तत्वाधान में आयोजित यह स्थानीय नागरिकों और एक अधिकारियों का जो सहयोग कार्यक्रम चल रहा है, सुझाव कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ यहाँ के बुद्धिजीवी, पत्रकार, स्थानीय नागरिक बंधु और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित है। हम लोग विगत कुछ समय पहले से सुनते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई पावर प्लांट बनने जा रही है जिससे जनपद का बड़ा समग्र विकास होगा, एनर्जी पैदा होगी, उस एनर्जी के उत्पादन से प्रदेश का विकास होगा। मिर्जापुर बड़ा पिछड़ा जिला है, मिर्जापुर की भौगोलिक जो स्थिति है वह भी कहीं पहाड़ का क्षेत्र है तो कहीं डूब का क्षेत्र है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आज इस अवसर पे कि जिस उद्देश्य से, जिस सेवा भाव से, समर्पण भाव से हम लोग कंपनी के बारे में तो आज अखबारों से जाने हैं, यह कंपनी के जो भी यहाँ नुमाइंदे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उनके कर्ता धर्ता हैं, आज हम मिले हैं, लेकिन यहाँ पे स्थानीय स्तर पे मुंशी सिंह जी हमेशा हम लोग को इसके बारे में बताया करते थे। हमारे भी कुछ पतितों की जमीन यहाँ हुआ करती थी, हम लोग भी उनको प्रेरित किया करते थे कि भाई जमीन आप दो, जब तक इस कंपनी को उपयुक्त संख्या में या साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो मिर्जापुर का विकास नहीं होगा। विकास होता है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तकनीकी तौर पर मैं इतना जानकार तो नहीं हूं, पर्यावरण के लोग इसके बारे में ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सीधा साधा सपाट इंसान होने के नाते, मिर्जापुर का नागरिक होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि इस पावर प्लांट से मिर्जापुर का विकास होगा, मिर्जापुर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उसके रोजगार से उसका भरण पोषण होगा, उसका जीवन उत्तम होगा और वह अपने जीवन का विकास कर सकता है। बाकी कंपनी का विकास तो होगा ही होगा, अगर यह एनर्जी पैदा करेगी और प्रदेश सरकार को बेचेगी तो मुनाफे का धंधा करेगी, कोई सेवा या समर्पण कार्य करने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा करने वाले भी कम हैं हमारे प्रदेश में। हमारे देश में उद्योगपतियों की कोई कमी नहीं है, जरूरत है कि हम अच्छी चीजों को अपने पास ले आए। एक समय था कि मिर्जापुर में चुनाव से फैक्ट्री चलती थी, फिर एक समय आया बंद हो गया, जो बंद हो गया उसके बाद जो वहां के कर्मचारी गण थे हमारे भी लोग उसमें थे, हम वहां से ही नुमाइंदगी करते हैं, खाने को लाने पड़ गए थे। आज उनके बीवी बच्चों को देखने जाइए, भले ही चाहे कंपनसेशन मिला हो उनको, लेकिन वो उचित नहीं था। लेकिन मैं यही सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि मैं इसके साइड इफेक्ट नहीं देखना चाहता, इसके पॉजिटिव और सकारात्मक दृष्टिकोण में जाना चाहता हूं, और वो ये है कि जनपद मिर्जापुर का विकास होगा, कंपनी का विकास होगा, हम स्थानीय लोगों का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बोलने का अवसर मिला, फिर बात करूंगा आपको, धन्यवाद। बेरोजगार के लिए बेरोजगार से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, हम भी है जो कि टेक्निकल है और मैं भी चाहता हूँ कि रोजगार खुले मिर्जापुर में, जिससे कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को जो कि नोएडा दिल्ली जाकर काम कर रहे हैं वो कम से कम अपने जिले में रहेंगे और अपने परिवार का देखभाल भी कर सकेंगे रोजगार के साथ साथ। और मैं ज्यादा विशेष नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को बढ़िया दी जानी चाहिए, धन्यवाद। गब्बर सिंह,
ग्राम गौरा बिलवा का रहने वाला हूँ। मिर्चिरागी गौरा राजा का जो जमीन हमारे खुद ये ददरी खुर्द में जो है उसमें हमारा 5 बीघे जमीन भीगे मैं दिया हूँ ग्राम, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करना के क्षेत्र में जो आई है हमारे छात्रों और बेरोजगार भाइयों के बंदरों को नजर रखते हुए पर्यावरण और जितने भी संसाधन यहाँ से मुक्त है उसको पूरा करते हुए आप सब ध्यान में उसको पूरा कीजिए और हम सभी बेरोजगार बंधुओं को रोजगार के आवश्यकता और जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं बाहर हमारे बेरोजगार बंधु उन सबको मिर्जापुर यूपी में रहने और स्वर्ग चलाने के अंतर मिले यही कहना चाहता हूँ। आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद। आप अपने सुझाव लिखित रूप से भी दे सकते हैं। आप पत्रकार बंधु बैठे हैं। मेरा नाम सुशंकर सिंह, मैं विंध्याचल से बिलोंग करता हूँ। आपके प्रक्षेत्र में आया हूँ तो एक कंपनी डेवलप करेगी, शिक्षा बढ़ेगा, हर चीज़ का विकास होगा। लेकिन एक मूल निवासी जो यहाँ के कोर भी है या जो यहाँ रहते हैं उन पर भी कंपनी का ध्यान जाना चाहिए। जो यहाँ के पशु हैं, पक्षी हैं, जो बड़ी सहृदय जनता है जो कि यहाँ नहीं आ सकती, नहीं बोल सकती, वह कहीं पलायन न करे, इसके लिए कंपनी ध्यान दे। इस बात को किसी ने उकेला नहीं अभी तक, तो हम सोचे कि यहाँ पर ऐसी बात जब रखना पेपर के माध्यम से मुझे मालूम हुआ हम लोग भी बेरोजगार हैं तो रोजगार तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका डेवलप बहुत जरूरी है। जो विकसित है तो विकास कर ही जाएंगे, जो नहीं विकसित है, जो बोलना नहीं जानते, समझना नहीं जानते, हमारे यहाँ पे जंगली पशु, जंगली पेड़ पौधे, जंगली लोग, उनका डेवलपमेंट कंपनी ध्यान दें और हमारे उच्च अधिकारी भी ध्यान दें। और इन्हीं शब्दों सभी का आभार, नमस्कार। विंध्याचल महाविनिवासी दरबार से बिलोंग करता हूँ। सुबह सुबह पेपर के माध्यम से मुझे वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जितनी कार्य योजना है उसके बारे में मैं पेपर पढ़ा, जानकारी मिली, बहुत खुशी हुई। राम गोपाल जी ने तो सर्वप्रथम अपने हृदय से उन बंधुओं को जाने वाले विंध्याचल माधुनिवासी दरबार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस विलक्षण कंपनी को अपनी भूमि स्वेच्छा से, मर्जी से, खुशी से और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने अपना उचित मूल्य प्राप्त करके दिया है। यदि जमीन न होती तो विचार या योजनाएं मन में ही रह जाती, तो अधिकारियों से यह अपील करेंगे कि प्रथम उन जमीन देने वालों के साथ उनके परिवार को ध्यान रखते हुए, उनके नौजवान शिक्षित बेरोजगार युवकों को ध्यान रखते हुए, उनके गरीबी को ध्यान रखते हुए प्रथम वरीयता पर उनको सहयोग प्रदान करें। साथ साथ जिले के सम्मानित उपस्थित अधिकारीगण एवं उपस्थित इस कंपनी के तरफ से जो भी आए हुए हैं चलकर के उनको धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह अनवरत रूप से कंपनी का कार्य संपन्न हो, चलता रहे, जिससे यहाँ की जनता में खुशी की लहर प्रतिदिन 4 गुना होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अपने सुझाव लिखित रूप से भी दे सकते हैं, हमारे विचार से काफ़ी समय हो गए और मैं कंपनी के प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का निर्णय और आपकी भलाई देने का कष्ट करें। हेलो, मैं सुशील कुमार मिर्जापुर का निवार। आपको आप अपने सुझाव लिखित रूप से भी दे सकते हैं, हमारे विचार से काफ़ी समय हो गया और मैं कंपनी के प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि जनता द्वारा उठाए गए बिंदुओं का बिंदुवार आपकी भलाई देने का कष्ट करें। हेलो, मैं सुशील कुमार मिश्रा मिर्जापुर
का निवासी हूँ और मैं इस पावर प्रोजेक्ट वेलस्पन एनर्जी को अपने जमीन के रूप में योगदान दिया है और इसके इस जनपद का जो विकास होगा उससे मैं बहुत खुश हूँ और इनके प्रगति की कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं जयसिंह पाल मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। आज इस ददरी खुर्द के धरती पर जो पावर प्लांट लगाने के लिए जनसुनवाई लगाई गई है, मैं इस ददरी खुर्द जिस विधानसभा में पड़ता है उस विधानसभा से विधायक रहे स्वर्गीय भागवत पाल जी का लड़का हूँ। आज मुझे बहुत अपार खुशी हुई कि इस मिर्जापुर की बेरोजगार को रोजगार मिलेगा और यहाँ से जो पहले पावर प्लांट लगाए गए थे सब सोनभद्र जनपद में बंटवारे में चले गए, आज फिर एक बार इस मिर्जापुर की धरती को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। मैं यहाँ के अधिकारियों से ये चाहता हूँ कि जो भी प्लांट यहाँ लगाए जा रहे हैं उसमें जो कर्मचारी अधिकारियों की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह चाहूंगा कि जो भी कर्मचारी हो हमारे ही जिले से, यही नहीं कि इस क्षेत्र से ही नहीं, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, हमारे ही अधिकतम हमारे ही जिले से कम से कम कर्मचारी मजदूर को यहाँ पर लगाया जाए। यहाँ पे बहुत ही अधिक छात्र हमारे नौजवान डिग्री लेवल पर बैठे हैं, उनको पलायन कहीं दूर जाना पड़ता है, यहीं पे उनको अगर रोजगार मिले तो अच्छा है। लेकिन एक बात तो हमको अभी भी कष्ट है, आज जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया है यहाँ के लोग तो नहीं है, सब कहाँ से आए हैं, कैसे बुलाए गए हैं, अब कितनी इतनी अधिक मात्रा में फोर्स क्यों लगाई गई है, क्या कंपनी के अधिकारियों को इस बात का भय था कि जिनकी जमीनें हम ले रहे हैं क्या उनसे भय था, या लोकल लोग क्यों नहीं आए, क्या उनको सूचना नहीं थी, क्या कंपनी के अधिकारी ऊंट की चोरी कर रहे हैं, वो भी बैठे बैठे, तो ऊंट की चोरी बैठे बैठे नहीं मानी जाएगी, यहाँ के लोगों को भी सूचना होना चाहिए था, यहाँ की स्थानीय ग्राम सभा डहरी राम सुखनेरी और यहाँ के लोगों को भी यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। आज मात्र 10% लोग यहाँ ग्रामीण है, ये धरती के रहने वाले हैं, बाकी सब बाहरी होके आए हैं, ऐसा क्या हो गया, न्यूयॉर्क से नहीं आए हैं, यही के रहने वाले हैं। वकील की बात पर अनावश्यक अविश्वास न कर, वकील एक तर्क उठाता है और वो तर्क उनके मन में जो था वो उन्होंने कहा। स्पेशली मैं कचहरी में रहता हूँ, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि कितने यहाँ के किसान खुशी खुशी आए और अपनी जमीन देने के लिए प्रस्ताव रखे और आज तक किसी विक्रय में कहीं कोई अवरोध हुआ ही नहीं। हमारे वकील बंधु जो आए थे मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जाकर के देख लें, अब तक करीब 200 रजिस्ट्रियां हुई है, किसी रजिस्ट्री में कोई अवरोध नहीं हुआ, किसी नामांतरण की कार्यवाही में कोई अवरोध कोई आपत्ति नहीं हुआ, कुछ डबल इंदिराज है, मुश्किल से 6-7 केसेस हैं जो चल रहे हैं और सब किसानों की सहमति से हो रहा। लोगों का तर्क करना अपनी जगह स्वाभाविक है, लोगों का अपना संदेह करना अपनी जगह स्वाभाविक है। मैं यहाँ चूंकि प्रतिनिधि भी रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, वकीलों का भी नुमाइंदा रहा हूँ, इसलिए दोनों तरफ की बातें करते हुए यह कहना चाहता हूँ, एक तो पर्यावरण के संबंध में यह संगोष्ठी है, पर्यावरण के बारे में जो सुझाव आए हैं हमारे लाल बहादुर भाई की तरफ से और ये के तरफ से आपके तरफ से जो आया है कि यहाँ के स्थानीय वृक्ष जो है लोकल वृक्ष बरगद पीपल गुलर जामुन इन सबको लगाया जाए और इसके लिए विशेष रूप से कृषि वन और ये उद्यान इन विभागों को विशेष निर्देश दिया जाए कि इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष मुक्त लगाने के लिए जितना सहयोग कर सके करें। दूसरी बात जो यहाँ सुनते हुए आया, मैं आदरणीय ट्रैक्टर साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, यहाँ की लोगों की मुख्य
मांग यह है, जैसा कि बैनामे के समय हमने देखा कि ज्यादातर लोग यह उत्साह में इस उत्साह में अपनी जमीन दिए कि मुझे रोजगार मिलेगा, तो आप अपनी मैनेजिंग कमेटी की बैठक में यह रखिएगा कि जहां तकनीकी सेवाओं की जरूरत है, उन तकनीकी और शिक्षित सेवाओं की जरूरत जहां हो, वहां भी कम से कम 10% की विशेष वरीयता यहां के स्थानीय जनपद वासियों को दिया जाए। साथ ही जब भी आप उत्तर प्रदेश सरकार से एग्रीमेंट करें, हम लोग पहले ये मिर्जापुर बहुत बड़ा था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद मिर्जापुर था, मिर्जापुर और सोनभद्र मिलाकर 300 किलोमीटर हम चले जाते थे तो मिर्जापुर का हमारा क्षेत्र समाप्त नहीं होता था और 300 किलोमीटर में हम यहाँ लखनऊ पहुँच जाते थे। जितने जनपद लखनऊ में बीत जाते थे उतने में केवल एक जनपद हुआ करता था, लेकिन हम छले गए, छले इस माने में गए हैं, हमने ओबरा के लिए जमीन दिया, ओबरा का विद्युत बना, रिहंद बना, शक्ति नगर बना, एनटीपीसी की बनी, बिजली मिर्जापुर के लिए नहीं उपलब्ध कराई गई, सीधे दूसरे प्रांतों के लिए और राजधानी के लिए चली गई। आप जब भी एग्रीमेंट करें उत्तर प्रदेश शासन से ये कहे कि मिर्जापुर को भरपूर बिजली देते हुए तब आप अन्य जगह प्रयोग करें। दूसरी चीज हम आपसे निवेदन करेंगे, और तो कुछ नहीं, हमेशा मिर्जापुर के लोग सीधे साधे हैं, तर्क करना संदेह करना मनुष्य का स्वभाव है, कोई देवता नहीं है, इसको आप बुरा न माने, लेकिन यहाँ के लोगों की भावनाओं को आप कद्र करेंगे और यहाँ के लोगों को सेवा का प्रथम अवसर देंगे, ऐसी ही भावनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। आपत्तियाँ उठाई गई है, कृपया उसका दुर्व्यवहार निराकरण करने का कष्ट करें, पर कंपनी के प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा और मैं जनता से अनुरोध करूंगा, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो आप हमें, मैं आपको पेपर उपलब्ध करा देता हूँ, लिख करके दे दें और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दूंगा। धन्यवाद आपको, कृपया बैठ जाए, मेरा आपसे सारा अनुरोध है कि कृपया आप बैठ जाए, समय बहुत हो गया है, गर्मी है, दूर दूर से जनता आई है और काफी गर्मी भी है, आप इनके धन्यवाद जो है। यहाँ की मेन समस्या देखिए जो वेल्सपन एनर्जी पावर प्रोजेक्ट का है, इन्होंने भारत सरकार को अपना प्रपोजल प्रस्तुत दिया कि मैं मिर्जापुर के दादरी खुर्द में एक पावर प्लांट लगाना चाहता हूँ, उसके बाद इनको TOR एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से TOR इशू हुआ, TOR के बाद ये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र दाखिल किए, उसमें प्राविधान है कि आप NOC देंगे तो उसका यहाँ पर पब्लिक हियरिंग का प्राविधान है, पब्लिक हियरिंग के लिए इनको फिर एक महीना के लिए न्यूज़पेपर में एक दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक स्थानीय अखबार में प्रकाशित कराया गया और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है कि जनता अधिक से अधिक आए और स्थानीय जनता अपने सुझाव दें ताकि इस परियोजना का लाभ और उसको अधिक से अधिक मिल सके और उनके द्वारा दिए गए सार्थक सुझाव को इसमें हम समावेश कर सके। धन्यवाद, मैं कंपनी के प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि कृपया आए और अपने सुझाव दें, प्लीज मैं सभी अनुरोध करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं श्री माननीय हरिशंकर सिंह जी जो भारतीय किसान संघ से थे, उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र जहाँ हम परियोजना लगा रहे हैं दादरी खुर्द, इसके अलावा भी आगे के जनपद के सभी गांवों का ध्यान रखा जाए, मैं बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सबको कि प्लांट निश्चित रूप से यही लगेगा, क्योंकि प्लांट के लिए तो निश्चित जमीन होती है, पर उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ेगा और उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब कंपनी यहाँ आएगी और यहाँ हम 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो मार्केट में डेवलपमेंट होगा, जो पैसा यहाँ आएगा इस क्षेत्र में इतना खर्च होगा, तो निश्चित रूप से आप सबको लाभ होगा और जनपद के अन्य गाँव को निश्चित रूप से लाभ होगा और हम अपने सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं उसके तहत भी आजू बाजू के 15 किलोमीटर क्षेत्र में जो गाँव होते हैं उनके लिए काम करते हैं, सड़क बनाना, रोड बनाना, हॉस्पिटल, ये सब हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और इसके बाद माननीय जो श्रीमती निर्मला राय जी आए थे, उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कंपनी को काम करना चाहिए, मैं एक अच्छी मतलब बात हमारी कंपनी की है कि हमारी कंपनी में लगभग 50% कर्मचारी महिलाएं ही हैं आज की और आगे भी रहेंगे, बिल्कुल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारा मैनेजमेंट कटिबद्ध है और निश्चित रूप से उसमें कोई संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक पेड़ लगाने की बात है, जो हरी पत्ती हम लगाएंगे 100 मीटर चौड़ी, और उसमें हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि जो वन विभाग है और कृषि विभाग है उससे सलाह लेकर ही हम उन पेड़ों को लगाएंगे जो पेड़ यहाँ लंबे समय तक रह सके, और उन्हीं पेड़ों को लगाया जाएगा जो यहाँ की प्रकृति और पर्यावरण के हिसाब से बढ़ सकेंगे।
क्योंकि ऐसा पेंट लगाने से कोई फायदा नहीं कि वो 2 साल या 10 साल में मर जाए। निश्चित रूप से हम ऐसा पेंट लगाएंगे जो 50 साल तक रहे, क्योंकि परियोजना की लाइफ भी लगभग 30 साल के आसपास होती है। तो उस तरह का पेंट लगाया जाएगा और कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। वन विभाग विधि विभाग के सहयोग से उनके मार्गदर्शन से ही हम काम करते हैं। हमारे यहाँ पर्यावरण की बड़ी टीम है जो ये काम करती है। रोजगार की बात यहाँ पर है, हम निश्चित रूप से बिल्कुल भरोसा दिलाना चाहते हैं आप लोगों को। सबसे पहले पहले अधिकार और पहली वरीयता आप ही को मिलेगी जो यहाँ के लोग हैं। जैसे ही हमारी परियोजना की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान से संपर्क करके लोगों का लिस्ट लेंगे, उसके बाद हम उसके हिसाब से योग्यता के हिसाब से उनको देंगे। और जो बच्चे टेक्निकल नहीं है उनके लिए हम टेक्निकल ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे ताकि वो हमारे परियोजना में काम करने के कौशल बढ़ा सके अपना। इस तरह का हमारा कार्यक्रम है और हमारी जो अन्य परियोजनाएं चल रही है वहाँ पर हम ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम करेंगे। बिल्कुल यहाँ के लोगों को पहली प्राथमिकता है। मिर्जापुर जनपद के बाहर जब हमको लोग नहीं मिलेंगे सब हम बाहर ढूंढेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जब पर्यावरण के लिए हम पेड़ पौधे लगाएंगे, एक भाई साहब आए थे उन्होंने कहा कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनका ध्यान रखा जाए। निश्चित रूप से वन संरक्षण जो वन जीव संरक्षण है उसका योजना हम बनाएंगे वन विभाग के साथ मिलकर कि कैसे यहाँ के जीव जंतु रह सकेंगे। और उसके बाद जो अपने क्षेत्र में है जब पेड़ रहेंगे हरियाली रहेगी तो निश्चित रूप से पक्षी आएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और पर्यावरण का पूरा ध्यान रहेगा हम लोगों का। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। और मैं इतना बताना चाहूंगा कि हमारा जो परियोजना है वो सुपर क्रिटिकल तकनीक की है, जिसमें बॉयलर टरबाइन जो है सुपर क्रिटिकल तकनीक जो अभी तक ये जो थ्योरी में जितने परियोजना चल रही है उसमें नहीं लगा है, उससे अच्छी एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। उसमें काफी अच्छी आज की सुविधा में मशीनें हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह कम होता है और उसका पूरा ध्यान रखेंगे हम लोग और उसकी मॉनिटरिंग लगातार समय समय पर करते रहेंगे ताकि इसी तरह का पर्यावरण बिगड़ने न पाए और जैसा सब लोग रह रहे हैं इससे अच्छा रहे। और बिल्कुल हमारा ये प्रयास है कि हमारे प्रयोग की विकास के साथ आपके चेहरे में मुस्कान के लिए मैं यही प्रयास करूंगा। थैंक यू। आज के पर्यावरण को सुनाई की अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ पर जिला जनता और हमारे और गणमान्य नागरिकों के दोस्त आशीर्वचन के रूप में थे। यहाँ पर उपस्थित वेलस्पन एनर्जी के श्री कुक्कू डॉक्टर साहब सहयोगी हैं, उनको सबको हमारी ओर से बधाई। यहाँ पर जो उपस्थित जनता है ददरी खुर्द की और आस पास की, यहाँ पर इस गर्मी में जो इकट्ठा हुए उन्हें सबको मैं बधाई देता हूँ। आज वेलस्पन एनर्जी द्वारा यहाँ पर जो 1320 मेगावाट की परियोजना लगाई जा रही है उसकी लोक सुनवाई के लिए यहाँ पर समय निर्धारित था। अभी एक भाई साहब ने बताया कि इसकी सूचना गाँव को नहीं दी गई, गाँव की सूचना इसके पूर्व एक माह पूर्व दो अखबारों में समाचार पत्रों प्रकाशित किया गया था, एक लोकल पेपर में एक अंग्रेजी वाले पेपर में, जैसा कि प्राविधानिक है। तो ये सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन वाले अखबारों में दिया गया था जिससे सभी लोग जान सकें, घर घर बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी इच्छा वो आ सके, किसी को रोका नहीं गया है। वैसे यहाँ के जो सुनवाई हुई यहाँ के लोग भी उपस्थित थे और उन लोगों ने अपनी बात कहा, कैसे खत्म हुई कहा और उन लोगों ने प्रशंसा जमा दिया यहाँ कैसे खत्म हुई। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने उनको मना किया गया हो, जहाँ तक पुलिस बल लगाने की आवश्यकता की बात रखी गई ये कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य हो आजकल का बहुत युग संवेदनशील है, कोई भी कार्यक्रम में कोई भी बात हो सकती है। प्रिकॉशनरी जो है पुलिस को रखा गया था, इसमें अदरवाइज सोचने कोई आवश्यकता नहीं। आज आप लोगों की भावनाओं को सुना गया, आप लोगों ने हम मेरा तो यही कहना है कि ये परियोजना इस ऐसे जंगल वाले गांव में जहां पर कि संभवतः रात में कोई आना भी ना चाहता होगा, अगर यहां पर परियोजना लगाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसके आस पास के एरिया का बहुत बड़ा विकास होगा और आपके मिर्जापुर का बहुत विकास होगा।
और मुझे और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को सुनने आया था, अपनी बात ज़्यादा बताना आवश्यक नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो आपकी बातों को मैंने सुना, उसे दो तीन दिन के अंदर ये रिपोर्ट जो है पर्यावरण विभाग को भेज जाएगी, और जो लोग नहीं बोल पाए हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं, मैं सोमवार तक वेट करूंगा और लिखित रूप से अपना अपनी बात कर सकते हैं और हमारे ऑफिस को भिजवा सकते हैं। धन्यवाद। मैं समझ सकता हूँ कि जिलाधिकारी और जिलाधिकारी और एसपी के कितने काफ़ी महत्वपूर्ण समय निकाल करके यहाँ आपने सुना सर, और आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद। जनता, आपने जो भी सुझाव दिया है वो हमारे जो ईआईई नोटिफिकेशन है उसके एक अक्षर सा हम लोगों ने पालन किया है, और जो सुझाव आपने दिया उसका अक्षर सा हम यहाँ से रिटेल में लेकर के रिकॉर्ड करके, अगर आपका लिखित रूप से भी सहयोग हो आएगा सुझाव को सोमवार तक हम शाम तक वेट करेंगे और उसको कंक्लूड करके हम अपने सुझाव स्टेट इन्वायरमेंटल कमेटी के माध्यम से विश्वास इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट भूमिका के लिए अनुरोधित करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसे नियोजन आसान बना के अपने सुझाव दिए, इसके लिए आपका हम लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पे पुलिस चौकी की भी स्थापना होगी, पुलिस से अभी तक आप लोग क्यों राइड इलाका है यहाँ तो यहाँ तो ये कंपनी वाले मांग रहे साहब, एएसपी सीडी साहब और सीओ साहब और एसडीएम साहब और एसओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको अपना कीमती समय दिया। जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमको कीमती समय दिया, और मैं कंपनी के तरफ से आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप में से किसी भी आदमी का कोई भी सुझाव हो, कभी भी हो, मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ। नहीं ठीक है, परेशान ना हो, बताते हैं। धन्यवाद।